स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपाल्यन्ताम् न्यायेण मार्गेण महिमहिषः गौब्राह्मणिभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आए जितनी भी बाधाएं आए जितनी भी बाधाएं ना उकताएं ना घबराएं ना उकताएं ना घबराएं गीता पथ पर बढ़ते जाए गीता पथ पर बढ़ते जाए हर हाल में प्रभु तेरा गुण गाए हर हाल में प्रभु तेरा गुण गाए हर हाल में प्रभु
तेरा गुण गाए। हर हाल में प्रभु तेरा गुण गाए। ऐसी शक्ति दो प्रभु भक्ति दो, 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो प्रभु भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो प्रभु भक्ति दो। केवल एक मिनट मौन शांत, अंदर की पुकार, ऐसी शक्ति दो प्रभु भक्ति दो, ना उकताए ना घबराए, आए जितनी भी बाधाएं, ऐसी शक्ति दो हे प्रभु भक्ति दो। प्रार्थना। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नारायण 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 नारायण। सभी शांत आपस में बात नहीं, मोबाइल का प्रयोग नहीं, सत्संग में केवल सत्संग के भाव से और सौभाग्य अनुभव करते हुए जीवन की ऊहापोह में, जीवन की उधेड़ बुनों में उलझे उलझे भगवान ने कृपा करके कुछ देर के लिए शांति से अपने भाव में, अपने सत्संग में, अपनी चर्चा के लिए अपनी दिव्य वाणी श्री गीता जी को श्रवण करवाने के लिए यहाँ बिठाया है। ऐसा भाव बनाकर यहाँ बैठेंगे तो सत्संग का त्वरित लाभ होगा, साथ ही साथ लाभ होगा। सत्संग जीवन का आनंद बन सकता है, सत्संग जीवन का एक मजबूत अवलंब बन सकता है, आधार बन सकता है, यदि सत्संग में केवल सत्संग के भाव से बैठे। और होना चाहिए कभी कभी, ये जीवन और जीवन के सारे श्वास, जीवन की सारी सामर्थ्य केवल संसार के लिए नहीं मान करके जीना चाहिए, क्योंकि संसार यहीं मिला है, यहीं तक के लिए मिला है। और सत्संग सेवा
सुमिरन ये जीव के लोक का भी साथी हैं और परलोक का भी सहारा है। सत्संग, सेवा, सुमिरन ये लोक का आनंद है और परलोक का उत्थान, उद्धार, कल्याण है। इसलिए सत्संग को उसी भाव से श्रवण करें। और वैसे भी हम चल के आए हैं, यहाँ बैठे हैं, कान सुन रहे हैं। कल ये चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसे आज हमारे परम स्नेही पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज ने अपने बड़े सीधे से शब्दों में और बड़े संक्षिप्त शब्दों में जिसकी विवेचना की कि हम श्रोता हैं, लेकिन श्रोता हैं भी और श्रोता नहीं भी हैं। क्यों? क्योंकि सुनने वाले दिखता है कान है, लेकिन सुनने वाला भी कोई और है, सुनने वाली चेतना भी कोई और है। कल इशारा किया जा रहा था कि जब हम चेतना के साथ जीते हैं, कल कुछ संकेत आए, क्योंकि कल दो शब्द वाणी पर आए थे सत्संग में कि हम एक तो जीवन में हेल्थ कॉन्शियस वो सब रहने का प्रयास करते भी हैं, करना भी चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस हो कर रहे। लेकिन साथ साथ कल एक शब्द और प्रयोग हुआ था कि हम एनर्जी कॉन्शियस बन करके रहें। एनर्जी कॉन्शियस अर्थात अंदर जो हमारे ऊर्जा है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने स्वाभाविक ऊर्जा संपन्न बनाकर इस धरा पर भेजा है। बाबा जी, ऊर्जा तो सबके अंदर दे के भेजी है, क्योंकि जब वो चेतना अंदर है तो ऊर्जा तो है ही ना। लेकिन वो जो ऊर्जा, वो जो आनंद उस चेतना के रूप में हमारे अंदर है, हम उसके प्रति कॉन्शियसनेस बना के नहीं रह पाते, हम कॉन्शियस होके नहीं रह पाते, जागरूक होके नहीं रह पाते। और इसीलिए अपार ऊर्जा अंदर होते हुए भी हम उस ऊर्जा से अपने आप को वंचित सरक करके जीते हैं, खाली खाली से। एक संत हुए भीखा, हमारी संतों की परंपरा जो रही है सनातन, वो बड़ी समृद्ध बाबा जी परंपरा रही, बड़ी समृद्ध। हाँ, आवश्यक नहीं कि वो समृद्ध केवल बाहर के आश्रम, बाहर की कोई संपदा या बाहर के साधनों के कारण, वो अंदर से बड़े समृद्ध परंपरा रहे, अंदर से बड़े समृद्ध संत। और ऐसी परंपरा में एक संत भीखा, वो एक जगह लिखते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। अब एक एक शब्द देखें, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। लाल अर्थात आत्मा, चेतना, और वो आत्मा क्या है? वो सोर्स ऑफ ब्लिस, वो सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, हर तरह की ऊर्जा का स्रोत है वो लाल, वो आत्मा, वो अंदर है। बस कठिनाई ये है कि ये ऊपर जो चमड़ी चढ़ी हुई है ना, बस हम इसी तक मोहित, आकर्षित और सीमित होकर के रह जाते हैं। ये रूप, ये रंग, ये सौंदर्य, ये वेश, ये श्रृंगार, बस इतने तक सीमित होकर के रह जाते हैं। कभी सोच ही नहीं पाते कि इस वेश, इस रूप रंग के पीछे जो चेतना है, जो आत्मा का लाल है। और सच बात एक और कहें कि ये रूप रंग भी तभी तक है जब तक वो चेतना का लाल अंदर है। जब वो नहीं होता अंदर तो रूप सुंदर लगता है किसी को क्या? वही चेहरा होता है ना, वही रूप होता है ना। लेकिन
उसको ढक दिया जाता है। क्यों? कि अब वो चेतना साथ नहीं रही, ये सौंदर्य भी, ये निखार भी, ये रूप रंग भी, ये भी अगर सुंदर लग रहे हैं, ये भी उस चेतना के कारण, वो जो लाल अंदर है, हमारे गुरुदेव कुछ पंक्तियां कई बार ऐसी गुनगुनाते थे, मिट्टी में एक लाल पड़ा, 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 जिस पर सुंदर चाम चढ़ा, 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 कदर ना जानी नर्तन की, अखियां खोल जरा मन की, कदर ना जानी नर्तन की, अखियां खोल जरा मन की। ये असलियत समझ कैसे आएगी कि ये शरीर जो कहीं ना कहीं मिट्टी में ही एक दिन माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी, तो इसके अंदर एक लाल है चेतना का, जहां भरा है आनंद, ऊर्जा, शांति, ओज, प्रकाश, लेकिन अनुभव कैसे होगा, इस आंख से नहीं, जब खुलेगी मन की आंख, और इसीलिए संकेत, कदर ना जानी नर्तन की, अखियां खोल जरा मन की, कदर ना जानी नर्तन की, अखियां खोल जरा मन की, आशा है हरि दर्शन की, अखियां खोल जरा मन की, आशा है हरि दर्शन की, अखियां खोल जरा मन की, अखियां खोल जरा मन की, अखियां खोल जरा मन की। संत भीखा कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, सबके अंदर वो चेतना का लाल है, लेकिन अंतर क्या है, गांठ खोल देखत नहीं याविद भय कंगाल। कितनी बड़ी बात कही, गांठ खोल हीरा अंदर है, लेकिन कंगाल होके जी रहे हैं, अर्थात निराशाओं में जी रहे हैं, चिंताओं में जी रहे हैं, हर समय की ऊहापोह में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस लाल को पहचाना नहीं। और वो पहचान में कैसे आएगा, जब कानों में पड़ जाए किसी उस लाल को पहचाने हुए की वाणी, वैसे भी नहीं, या तो स्वयं उस परमात्मा की वाणी कान पे पड़ जाए, और या उस परमात्मा रूपी लाल को पहचाने हुए, उसकी कीमत जाने हुए, और सब जान भी तो नहीं पाते ना कि उसकी कीमत क्या है। जिन्होंने जान ली कीमत, अगर ऐसे किसी संत की वाणी कान में पड़ गई तो चेतना जग सकती है, बात बन सकती है,
और एक दिव्य घटना घट सकती है। कल इशारा चल रहा था निराशा से आशा की यात्रा। निराशाओं में नहीं जिए। देखो संसार कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वो अपनी चाल चलता रहेगा और वो कहीं ना कहीं निराशाओं में धकेलने का प्रयास भी करता रहेगा। स्वभाव है, एक जैसा कभी रहा ही नहीं संसार, किसी के लिए भी नहीं रहा। रंग बदलना संसार का स्वभाव है। और इसीलिए कभी आशाओं के रंग दिखाएगा संसार, लेकिन कभी निराशाओं के काले रंग भी दिखाएगा। स्वाभाविक है संसार में ये आशाओं और निराशाओं का झूला जब से सृष्टि बनी तब से चल रहा है, लगातार चल रहा है। स्वरूप है, एक बार एक कछुए और बिच्छू में मित्रता होगी। मित्रता थी, कछुआ एक नदी को पार करने लगा। बिच्छू ने कहा कि मित्र पार तो मुझे भी जाना है, मैं कुछ देर से सोच भी रहा हूं कि पार जाऊं कैसे, तू ऐसा कर मुझे अपनी पीठ में बिठा ले, मैं भी पार हो जाऊंगा तेरे साथ। कछुए ने कहा कौन सी बड़ी बात है, आराम से बैठ जा। और वो बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया। अब जैसे ही कछुआ नदी में आया चलने लगा, बिच्छू ने एक हल्का सा डंक लगा दिया। कछुआ थोड़ा चिंपा, कहने लगा मित्र ये क्या कर रहा है। कहा करूं क्या, अब मेरे पास है ही यही देने के लिए और मेरा स्वभाव है, मैं जहां बैठता हूं कुछ ना कुछ ये हिलाता रहता हूं। बेचारा चुप हुआ कछुआ, थोड़ा और आगे गया, फिर उसने एक डंक लगा दिया। फिर पूछा मित्र ये क्या। कहा कुछ भी नहीं, मेरा स्वभाव है ये डंक लगाते रहना। कछुए ने कहा एक और मित्रता और एक और डंक। कहा जो मेरा बनेगा डंक उसी को ही तो लगाऊंगा ना, उसी को ही तो लगेगा ना डंक जो मेरा बनेगा, जिसका संबंध होगा, जिससे संबंध होगा डंक उसी को ही तो लगाऊंगा। फिर डंक लगा दिया और कुछ देर और कछुआ आगे चला। तीसरी बार डंक लगा, बात फिर वही रही। बिच्छू ने कहा करूं क्या, मेरा स्वभाव है। तब तक नदी का बीचों बीच आ गया जहां गहरा पानी था। बिच्छू कछुए की पीठ पर था, कछुए ने एक डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाने लगा कछुआ, अब बिच्छू बोला मित्र ये क्या कर रहा है। कछुए ने कहा कि जब थोड़ा गहरा पानी आता है ना तो मेरा स्वभाव है, मैं वहां एक डुबकी जरूर लगा लेता हूं। अब जैसे ही डुबकी लगाई बिच्छू से उतरा, बार बार डंक लग रहा था तो हुआ। लेकिन बात जो हम कर रहे थे कि देखो संसार है, जिस संसार में हम और आप जन्म लेकर आए हैं, ये संसार कभी भी किसी भी काल में किसी भी युग में किसी के लिए भी एक सा नहीं रहा, किसी एक के लिए भी नहीं रहा। एक बार हम कहीं कह रहे थे कि कर्ण ने एक दिन भगवान कृष्ण से कुछ शिकायत कर दी,
जब पता चल गया कि मैं सूत पुत्र नहीं कुंती पुत्र हूं, कर्ण ने कहा, कृष्ण मेरे जीवन की विडंबना तो देखो, कुंती पुत्र होकर पांडवों का अग्रज होकर भी मैं सारी उम्र सूत पुत्र कहलाता रहा, बार बार अपमानित होता रहा। कितने अवसर गिनाऊं कृष्ण, मेरे भाग्य में यह विडंबना विधाता ने आखिर क्यों लिखी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, भगवान परशुराम को गुरु मान करके बना करके सीख भी ली, लेकिन मेरे भाग्य की विडंबना ने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और अंत में मैं पहचान लिया गया और सब विद्या सीख कर भी श्राप साथ मिल गया कि जब बहुत जरूरत पड़ेगी विद्या की तब काम नहीं आए, भूल जाए। कैसी और क्या क्या गिनाऊं कृष्ण, कितनी विडंबनाएं रही मेरे जीवन में, और ये पता चल जाने पर भी कि मैं पांडवों का अग्रज हूं, मुझे पांडवों के ही विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, ये भी तो एक विडंबना ही है ना। भगवान कृष्ण कर्ण की बात सुनकर सहज मुस्कुरा दिए। कर्ण ने कहा, कृष्ण मैंने इतनी गंभीर बात आपसे कही और आप मुस्कुरा रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण ये मुस्कान तो मेरा स्वभाव है, और आप श्री कृष्ण चरित्र को यदि आप ध्यान से कभी पढ़ेंगे ना, और कभी कभी समय निकालना चाहिए, यह आप सबसे व्यासपीठ का आग्रह कि जीवन को केवल एक ही ढर्रे पे नहीं जीते चले जाए, बस कमाना खाना दुकान खोलना, दुकान पे सुबह उठ के दुकान पे भागना, थक कर दुकान से घर भागना, हाँ अन्यथा ना ले कोई, क्योंकि व्यासपीठ से सीधी सी बात कहने का स्वभाव है। और ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप दुकानें ना खोलें ना चलाएं, व्यापार चलाएं करें, लेकिन व्यासपीठ का कहना है कि जीवन को एक ही ढर्रे पे ना जिए, कि बस जीवन इतने के लिए ही है, यही है जीवन, नहीं। कभी कभी कोई महापुरुषों के चरित्र पढ़े, कुछ अध्ययन करने का स्वभाव बनाए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत प्रेरणाएं। और भगवान कृष्ण के चरित्र को यदि पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि कैसी कैसी परिस्थितियों में किस किस प्रकार से मुस्कान सुरक्षित रही। भगवद गीता में जिस समय अर्जुन पूरी तरह विषाद में डूब चुका था, पूरी तरह शोक संविघ्न मानसः, प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द शोक संविघ्न मानसः, अर्थात शोक में पूरी तरह डूबा हुआ अर्जुन, कई बार होता है ऐसा लगने लगता है जैसे मन किसी कारण से किसी चिंता में किसी निराशा में बस डूबता सा चला जा रहा है, अर्जुन की ऐसी स्थिति थी। लेकिन अच्छी घटना उस समय घटी जब शोक में डूबे हुए अर्जुन के मन में एक हल्की सी प्रेरणा जग गई और अर्जुन को लग गया कि शोक के इन क्षणों का असली सहारा तो फिर भी ये कृष्ण ही है, और इसीलिए अर्जुन ने, और यही भारत का सही दर्शन है, यही भारत का वास्तविक चित्र है कि जहां विषाद भी योग में बदल सकता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं पाएंगे विश्व में,
कोई विचारधारा देख लो, कहीं किसी की आइडियोलॉजी देख लो, कहीं नहीं पाओगे। दुख में डूबे डूबे या सुसाइड या मैडनेस, दो ही परिणाम। लेकिन ये भारत है जहां विषाद के बाद भी योग की संभावनाएं होती हैं, और गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं और तब श्री कृष्ण जब कुछ कहने लगते हैं ना, उस समय दूसरे अध्याय का गीता जी का दसवां श्लोक यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे उस श्लोक में तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्न भारत सैन्योरुभ्योर मध्य विषिदंतमिदं वचः। ये दूसरे अध्याय का दसवां श्लोक। दोनों सेनाओं के मध्य विषाद में डूबे हुए अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रहसन्न मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। कोई कोई ये पूछ बैठते हैं कि एक और गीता ये लिखती है कि अर्जुन विषाद में डूबा हुआ, और एक और उसी श्लोक में शब्द है कि भगवान श्री कृष्ण सामने है और मुस्कुराते हुए। किसी दुखी को देख करके, कोई दुखी सामने हो अपना दुख व्यक्त करने लगे और अगला व्यक्ति मुस्कुरा दे, एक बार तो आश्चर्य लगेगा ना कि मैं इस पीड़ा में, मैं इस दुख में, और ये आगे से मुस्कान। लेकिन भगवान कृष्ण ने, अत्यंत रहस्य की बात है गीता की, अर्जुन रोगी है मन का, पीड़ित है शोक से, और भगवान कृष्ण इस समय कुशल चिकित्सक हैं। हमने ढेरों जगह डॉक्टर्स के सेमिनार लिए और उनको इसी ढंग के गीता के श्लोक दिए कि आप देखो अर्जुन जैसे मन के रोगी का उपचार भगवान कृष्ण जैसा चिकित्सक कैसे कर रहा है, मुस्कुराते हुए भाव से, और रोगी का डॉक्टर का मुस्कुराता व्यवहार रोगी का सबसे पहला उपचार। मुस्कुराते क्यों? ये मुस्कुराना गोविंद का स्वभाव है, मुस्कुराना गोविंद का स्वरूप है, और मुस्कुराने की कला गोविंद प्रभु के श्रीमुख से निकली इस दिव्य वाणी में अगर कोई सार में पूछे तो क्या है, हर हाल में मुस्कुराकर जीने की कला है गीता। हर हाल में मुस्कुराते रहने की कला है गीता। हमारी भी डंबना तो ये हो जाती है कि सब कुछ अनुकूल होता है तो भी नहीं हम मुस्कुरा के जी पाते। कईयों से हमने पूछा, अरे भाई कोई कठिनाई है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है। कहा फिर हंस के जियो भाई, मुस्कुरा के जियो, कोई बात नहीं। कमियां कुछ ना कुछ संसार में रहती हैं, उनकी कृपा का स्मरण करके मुस्कुरा लो, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन तो भी चेहरे पर मुस्कान नहीं। और कईयों की तो विडंबना यहां तक हो जाती है कि किसी दूसरे को मुस्कान, किसी दूसरे की मुस्कान देखकर ही चिढ़ जाएंगे। ऐसा भी दिखता है संसार में, किसी दूसरे को मुस्कुराते देखकर यही नहीं हजम होता कि ये क्यों मुस्कुराता रहता है, ये क्यों इतना खुश है। अरे भाई प्रेरणा ले लो, कोई खुश है, कोई मुस्कुरा रहा है। और कहीं कहीं कभी ऐसा दिखे, कई उदाहरण दिखते हैं कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं तो भी जीवन में कोई बात नहीं, प्रभु ने बहुत अनुकूलताएं भी दी हैं, ये एक आध प्रतिकूलता है, ये भी उसकी कृपा होगी तो टल जाएगी। इसलिए मैं केवल जो कमी है उसे देखकर अपनी मुस्कान नहीं छोड़ना चाहता, जो है, जो कृपा है उसका स्मरण मेरी मुस्कान है, मेरे जीवन का आनंद। देखो जिसे मुस्कुराना है ना, जिसे आनंद से जीना है,
वो तो कहीं कुछ भी स्मरण करके जीवन की मुस्कान को, शांति को, आनंद को, भाव को सुरक्षित रख लेगा। और जीवन की सबसे बड़ी कमाई भी यही, ये ध्यान रखना, जीवन की सबसे बड़ी कमाई भी यही है कि किसी भी परिस्थिति में मैं यदि अपनी शांति को सुरक्षित रख पा रहा, मैं अपने मन को स्थिर रख पा रहा हूं, बहुत बड़ी कमाई है जीवन। श्री कृष्ण मुस्कुराना उनका स्वभाव है, गीता उपदेश देते हुए भी मुस्कुराते हुए उपदेश का प्रारंभ, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक देखना। बहुत ने पूछा कि मुस्कुरा क्यों रहे थे कृष्ण उस समय, हमने कहा क्योंकि उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से हमारे जैसों को मुस्कुरा के जीने की कला सिखानी है। मुस्कुरा के जिनको गम का जहर पीना आ गया, एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा, मुस्कुरा के जिनको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। जीने की कला गीता में। लेकिन बात चल रही थी कि जब कर्ण ने भगवान कृष्ण को कहा, कृष्ण मेरे जीवन की विडंबना तो देखो, भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण तो मुझे अपनी विडंबना ही सुना रहा है, मैं सुनाऊं तुझे? तू तु जानता है ना कि मेरा जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, जेल की बंद कोठड़ी में। जिस कोख से जन्म हुआ वो देवी जकड़ी हुई थी हथकड़ियों और बेड़ियों में, ये विडंबना तू सोच सकता है क्या? और मैं जिस कोख से जन्मा, जी भर कर उसे निहार भी नहीं पाया और मुझे उसी समय वहां से विदा होना पड़ा। कर्ण तू मुझे अपनी विडंबना सुना रहा है, धरा पर मैं भी आया हूं और मेरे जीवन की स्थिति देख, कितनी प्रतिकूलताएं। छठे दिन में तैयारी उत्सव की हो रही है, छठी के अभी, क्योंकि पक्ष प्रारंभ है भाद्र मास, कृष्ण पक्ष आज द्वितीय तिथि हो गई और अब दिन कम होते जाएंगे, अष्टमी तिथि जब आएगी तो वही दृश्य होगा जब जेल के बंधनों में को तोड़ करके कन्हैया रातों रात गोकुल पहुंचे थे और वहां जाकर बधाइयां बजी थी नंद के आनंद भय। लेकिन जहां जन्म हुआ वहां की स्थिति आप देखें क्या थी, और छठे दिन छठी का उत्सव और पूतना राक्षसी उठा के ले जा रहे, सारी विडंबना। देखो साफ सी बात, इस धरा पर जो भी आया है ना जन्म लेकर के, परिस्थितियां सब प्रकार से सदा 100% कोई एक भी उदाहरण नहीं, जब राम और कृष्ण भी जैसे उदाहरण भी इस धरा पर आने के बाद अछूते नहीं रहे, परिस्थितियों की करवटों से आम आदमी की क्या स्थिति। अब कोई भी स्थिति देखें, ऋषियों को देखें, दसों गुरुओं को देखें, पूज्य बाबा जी बैठे हैं, परिस्थितियों की कितनी विपरीतताएं रही और सामान्य विपरीतताएं नहीं रही, नहीं कठोरतम विपरीतताएं, लेकिन तो भी मुस्कान, तो भी सहजता कैसे संभव हो, उसकी युक्ति है ये सत्संग। केवल मनोरंजन नहीं है सत्संग, केवल थोड़ी देर का समय टाइम पास का साधन नहीं है सत्संग, और खासकर गीता का सत्संग। ये थोड़ी देर का ये नहीं कि चलो संस्था का निमंत्रण आया है जा ही आते हैं थोड़ी देर, सत्संग तो जीवन का एक आनंदमय परिवर्तन, सुखद परिवर्तन है। जीवन का वास्तविक आनंद लेना है वो तो सत्संग के साथ ही है, बिना सत्संग के नहीं है। सत्संग श्रवण, कल बात चल रही थी कि श्रवण करना, और चर्चा प्रारंभ हुई थी दो परम संतों का मिलन, आज संयोग से मंगलवार है,
हनुमान जी और विभीषण, दोनों का मिलन, दोनों में कहीं ना कहीं निराशा थी। विभीषण हर समय राम राम, लेकिन मन में था कि रह रहा हूं जिस वातावरण में, यहां राम कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिले, ढेरों प्रश्न थे मन में। और वो प्रश्न कभी कभी निराशा भी बन जाते थे, और वो निराशा विभीषण ने हनुमान जी के आगे प्रकट भी कर दी। तामस तन कछ साधन नाहीं, प्रीति न पद सरोज मन माहीं, इस प्रकार की निराशा व्यक्त की और कहा, हनुमान जी तामसी शरीर है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि अंदर का प्रेम प्रभु राम के प्रति ठीक है, राम नाम ले लेता हूं, क्या ऐसा संभव है कि राम मुझे मिले। हनुमान जी ने हंस के कहा, विभीषण तू तामसी शरीर की बात करता है, मेरी ओर देख, मेरा तो वानर का शरीर है, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीन, मेरा तो शरीर वानर वाला है विभीषण, और जब प्रभु मेरे पर कृपा कर सकते हैं, मुझे स्वीकार कर सकते हैं, मुझे अपना इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना अपनत्व दे सकते हैं, तो विभीषण विश्वास रखो, प्रभु का ये स्वभाव है, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, जो उनका बन जाता है ना, वो अपना प्रेम उस पर उड़ेलते हैं, विभीषण तू विश्वास रख। और अब देखें, जो लोग कहते हैं कि सत्संग क्या काम आता है, को ढंग से सुना हो और ढंग से सुनाया हो, दोनों बातें, सुनाना भी केवल औपचारिकता ना हो और सुनाने के पीछे कोई और उद्देश्य भी ना हो, सुनाने की पृष्ठभूमि में कुछ क्या मिलेगा ये सोच नहीं, क्या दिया जा सकता है, कैसे उत्थान हो सकता है, कैसे कल्याण हो सकता है, कैसे निराशाएं दूर हो सकती हैं, कैसे परंपराओं का सम्मान हो सकता है, सुनाने के साथ वो भाव। और सुनना भी केवल टाइम पास के लिए नहीं, केवल फॉर्मेलिटी से एक नहीं, सुनने के पीछे भी। और इसीलिए प्रारंभ में एक बात कही गई थी और प्राय कही जाती है, और कोई अन्यथा यदि ना ले, हम तो साफ कह देते हैं कि सत्संग में आकर बैठे हो तो एक आध घंटा जो है ये इस खिलौने की टिक टिक को बंद करके रखो, और होना चाहिए कुछ समय जब हम इस सब से अलग बैठे, जब हम केवल उसके भाव में बैठे, और उन्हें प्रभु को भी तो लगना चाहिए ना कि अब ये केवल मेरे लिए बैठे। हम कई बार कहते हैं कि 10-20 श्रोता कम बैठे हों कोई बात नहीं, लेकिन बैठे हों तो अंदर की चाह लेकर के, उत्साह लेकर के, जिज्ञासा लेकर के, और सत्संग को सत्संग के रूप में समझने स्वीकारने वाले, सत्संग में वो बैठे हों तो आनंद आता है। तो सुनने में जब ये बात हो और सुनाने में भी जब वो भाव हो, औपचारिकता ना हो, तो निश्चित है कि सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जब भी मन निराशा में आने लगता है, तब कोई ना कोई बात सत्संग की निराशा को हर, उस समय कौन काम आता है, आप सोचें, जब मन निराश होता है संसार में कोई काम आता है क्या? अगर सुना हुआ सत्संग, कोई शब्द ध्यान में आ गया कि सत्संग में सुना था ना कि प्रभु की लीला है,
सत्संग में सुना था ना, जैसे कल की बात थी कि रात जैसे दिन दिन नहीं रहा तो रात भी रात नहीं रही। मेरे मन सुना था ना कि रात रात नहीं रहेगी, रात के बाद फिर प्रभात होनी ही है, क्यों निराश होता है, क्यों इसी में लगे रहकर अपने मन अपने आप को खोता है। कोई विचार सत्संग का काम आता है और निराशा से उबार लेता है। दो पंक्तियां स्वाभाविक वाणी पर आ रही हैं, गुनगुनाकर संक्षेप में प्रसंग। कभी जब भी जीवन को, कभी जब भी जीवन को निराशा ने मारा, कभी जब भी जीवन को निराशा ने मारा, मेरे दिल ने आशा से तुम्हें ही पुकारा, मेरे दिल ने आशा से तुम्हें ही पुकारा, वहीं पर तुम्हारी रहमत का भगवन पैगाम आया, पैगाम आया, वहीं पर तुम्हारी रहमत का भगवन पैगाम आया, पैगाम आया, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया, ओ मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया, खुशी और गमी में मेरे लब पे मोहन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया, खुशी और गमी में मेरे लब मोहन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया, खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया, खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, 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 तेरा नाम ढंग से सुना हुआ सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवद गीता में प्रमाण हैं इसके। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक और छठे अध्याय का भी 40वां श्लोक आप देखेंगे तो वहां श्री भगवान प्रमाणिक बात कहते हैं। और इसलिए हम कई बार कहते हैं गीता योग शास्त्र है, ये सत्य है, लेकिन गीता प्रयोग शास्त्र भी है, प्रयोग में लाने वाला ग्रंथ, व्यवहार में लाने वाला। हर बात गीता की, नेहा विक्रमनाशवस्त प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वयं भगवान गोविंद सीधी बात कहते हैं, अर्जुन जो समय जो सामर्थ्य
सत के भाव से प्रयोग में आती है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, और उसका कोई प्रत्यवाय अर्थात कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, कोई विपरीत परिणाम भी उसका नहीं होता। अब यहां बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, जितनी देर यहां बैठे हैं उतनी देर क्या संसार की चिंताएं बीच में आ पाती हैं? वातावरण में शांति है ना, मन में स्वाभाविक शांति बनती है ना, संसार की वृत्तियों से बचाव होता है ना। कुछ लोग जो ये कहते हैं बिल्कुल असर नहीं होता, हमने कहा हो ही नहीं सकता। एक बार गंगा जी के बाहर एक पत्थर था और एक भीतर पत्थर था। बाहर वाले पत्थर ने गंगा जी में रखे हुए पत्थर से कह दिया कि कब से तू गंगा जी में है, जैसे मैं हूं वैसे ही तू है, कोई फर्क पड़ा तेरे में क्या? तो जो गंगा जी में पत्थर था उसने कहा कि भाई देखने में तुझे भले ही नहीं लग रहा कोई फर्क है, लेकिन कम से कम तेरी तरह मैं बाहर की धूप में तप तो नहीं रहा ना, गंगा जी की शीतलता में तो कल आनंद तो ले ही रहा हूं ना, तेरी तरह तप तो नहीं रहा ना, लाभ तो है ही सत्संग। और वैसे कोई बात जीवन में उतर जाए तो गीता भगवती ने कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी जीवन में उतर आया तो अंदर की कई चिंताओं से उबार लेता है, व्यर्थ नहीं जाता। विभीषण ने भी हनुमान जी से सुना कि सुनो विभीषण प्रभु की रीति करहिं सदा सेवक पर प्रीति, और वो बात कब काम आई, जब रावण ने विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल खाली हाथ विभीषण को निकाल दिया, कुछ भी पास नहीं था, विभीषण निकले बाहर सब कुछ वहीं का वहीं था, लेकिन विभीषण निराश नहीं थे। निराशा से आशा की यात्रा, विभीषण निराश नहीं थे। एक तो राम नाम की संपदा पास थी, और दूसरा एक परम संत की वाणी कानों के माध्यम से हृदय में पहुंची हुई थी कि सुनहु विभीषण प्रभु की रीति करहिं सदा सेवक पर प्रीति। मन में वो विश्वास था कि कोई बात नहीं, संसार ने सब कुछ छीना है, लेकिन मेरे से मेरा राम प्रेम तो कोई नहीं छीन सकता, मेरे से मेरा राम नाम तो कोई नहीं छीन सकता। और इसीलिए जैसे ही विभीषण बाहर निकले, एक नई आस, एक नया विश्वास गुनगुनाते हुए निश्चिंतता के स्वर, जिन पायन के पादुके भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलो कहो इन नैनन अब जाए। ये निराशा नहीं थी कि मेरे से मेरा सब कुछ छिन गया, ये आशा बनी हुई थी कि कोई बात नहीं, आज मुझे मेरे राम के चरण कमलों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और इसीलिए दूर से जैसे ही विभीषण की नजर पड़ी प्रभु राम पर, शब्द क्या निकले, श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड के बहुत दिव्य भाव, श्रवण सुयश सुनि आय हूं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर, श्रवण सुयश सुनि आय हूं। दूर से प्रभु को देखा और विभीषण पुकार उठे, ये राघव मैं तो आपके ही एक प्यारे से आपका यश सुनकर आया हूं कि आप अपने पास आए हुए किसी को ठुकराते नहीं, एक संत की वाणी पर विश्वास रख करके आ गया हूं आपके पास, श्रवण सुयश सुनी आया हूं प्रभु भंजन भव भी। और प्रभु राम भी मुस्कुरा दिए, विभीषण के विश्वास को देखकर प्रभु राम ने भी
वही से कह दिया, कहो लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर वास्तिहारा। हे लंकेश परिवार सहित कुशल तो हो। सुग्रीव पीछे से भागे हुए आए, सेनापति कहा, प्रभु सेनापति मैं हूं, मेरे से बात तो कर लेते, अभी रावण मरा नहीं, युद्ध हुआ नहीं, और आप पहले से इसे लंकेश कह रहे हो। कहो लंकेश। प्रभु राम ने कहा, सुग्रीव अब तो निकल गया, तो निकल गया शब्द, अब तो वाणी से शब्द निकल गया, तो क्या यह माना जाए कि अब लंकेश यही, हाँ लंकेश तो अब यही बनेगा। और सुग्रीव ने पूछ लिया, कहा प्रभु अगर मान लो लंका प्रवेश करने से पहले रावण की भी कोई सद्बुद्धि जागृत हो गई और वो भी आपकी शरण में आ गया तो क्या करोगे, लंकेश तो आपने इसे बना दिया। कहा पहली बात तो आने वाला नहीं, लेकिन मैं कब चाहता हूं कि ना आए, मैं तो चाहता हूं कि जीव मात्र मेरी शरण में आए, जीव मात्र मेरा पन कर रहे, मैं तो चाहता हूं। तो अगर रावण आ गया, कहा कोई बात नहीं, रावण आए तो सही, रावण आएगा तो भी मेरा भरत अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ, वो अलग रख पादुकाएं राज कर रही हैं, और भरत तो मेरे से अलग है ही नहीं, रावण आए तो सही, अयोध्या का राजा उसे बना दूंगा, और मैं तो वन वन में ऋषियों के साथ ऋषियों के दर्शन का और सत्संग का आनंद लूंगा। उदारता। लेकिन बात चल रही थी कि विभीषण ने हनुमान जी की वाणी सुनी, विश्वास बैठ गया एक संत की वाणी पर, और आड़े वक्त में वो वाणी काम आई, विश्वास जगा गई वो वाणी, निराशा के समय आशा बन गई वो वाणी, उत्साह बन गई वो वाणी, विश्वास बन गई वो वाणी, और विभीषण को राम भी मिल गए, लंका का राज्य भी मिल गया, और चिरंजीवियों में नाम भी आ गया विभीषण। केवल एक संत की वाणी पर विश्वास, सत्संग ये है, सत्संग का प्रभाव ये, आशा के से निराशा का भाव। भगवद गीता निराशा से आशा की ही यात्रा है, अर्जुन निराशाओं में घिरा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उपदेश देकर अर्जुन को संभाला, निराशाओं को आशा में बदला, और वही अर्जुन किस स्थिति पर पहुंचा, ये कल की हमारी चर्चा का विषय रहेगा। अर्जुन के जीवन में परिवर्तन कैसे कैसे घटित हुए, और निराशाओं को ही हमें जीवन नहीं मानकर रह जाना, निराशाओं में भी आशा की ज्योत जल सकती है, और सच मानो विश्वास करो, भगवद गीता के साथ जीने की आदत बना लो, बस इतना सा ही ये आयोजन, ये भाव, ये सत्संग केवल इसीलिए, केवल इसीलिए, और जीवगीता का हर प्रयास केवल इसीलिए है कि हर भारतवासी भगवद गीता के साथ जीने की आदत बना ले, स्वभाव बना ले गीता के साथ जीने, गीता को साथ लेकर जीने की। जीवगीता का अर्थ भी यही है, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। आज अभी इतना ही, कल का दिन यहाँ मोहाली में और है, ये स्वाभाविक संयोग बना, यहाँ कल मंदिर सभा के प्रधान प्रेम शर्मा कहाँ हैं, वो कल कह रहे थे, कहते मुद्दत से हम सोच रहे थे वर्षों से कि क्या कोई समय ऐसा आएगा कि यहाँ भी कोई गीता जी का, अब लॉकडाउन में क्योंकि कोरोना में बाहर ओपन ग्राउंड में सत्संग नहीं संभव हो रहे,
उनका ठीक है, इंडोर ही शांति से, बहुत प्रचारित नहीं, जितने सहज श्रोता आएंगे और बाकी सब सत्संग चैनल संस्कार चैनल पर देश विदेश में सीधे प्रसारण के रूप में लाभ ले ही रहे हैं, लेते रहेंगे, घर बैठे भी सबको लाभ मिले और यहाँ जो स्वाभाविक शांति से जो बैठ पाए, अच्छा लगा। ये आप सबने बहुत शांत भाव से श्रवण किया, कृपा बनी रहे। कल कुछ सूत्रात्मक चर्चा होगी, जीवन के कुछ आवश्यक सूत्र कि कैसे हम जीवन को अच्छे से जी पाए। आज इतना ही।